सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को और साथ ही साथ बेल आइकन को भी दबा दीजिए हमारी सारी वीडियोस देखने के लिए। वेलकम बैक फ्रेंड्स, आप सबका बहुत बहुत स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल यंगरेज में। फ्रेंड्स हेलो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे इम्पोर्टेंट डेज जो है मार्च मंथ के इम्पोर्टेंट डेज की शॉर्टकट ट्रिक पे बात करेंगे। फ्रेंड्स ऑलरेडी जनवरी और फरवरी मंथ्स की शॉर्टकट मतलब इम्पोर्टेंट डेज की शॉर्टकट ट्रिक डाल चुका हो, अगर आपने वो नहीं देखा होगा तो प्लीज़ हमारे प्लेलिस्ट में आप चेकआउट कर लीजिएगा, आपको मिल जाएंगे और बहुत ही हेल्पफुल होंगे। एकदम शॉर्ट ट्रिक से समझाया फ्रेंड्स, आपको तुरंत याद हो जाएगा और कभी ज़िंदगी भी नहीं भूलोगे। फ्रेंड्स अगर इस ये वाली भी वीडियो आप देखोगे मार्च की तो मुझे विश्वास है फ्रेंड्स आप को जरूर याद होंगी और कभी ज़िंदगी में नहीं भूलोंगे। फ्रेंड्स चुटकी में याद होगी, आप चुटकी बजाते याद होंगे। ठीक है फ्रेंड्स, तो वीडियो को हम जल्दी शुरू करते हैं फ्रेंड्स, तो चलिए शुरू करते हैं। तो देखिए फ्रेंड्स हम आ चुके हैं अपनी वीडियो की तरफ। तो आज ही मैंने एक स्टोरी बनाई है, एकदम फनी स्टोरी है, आपको जल्दी याद होगी और आसानी से याद होगी, तो चलिए शुरू करते हैं। क्या बोलता है, 8 मार्वलस वुमन्स जो है एक फ्रॉड दुकानदार से परेशान थी। उन्होंने उस पर 15 बार कंज्यूमर कोर्ट में केस किया जिससे वो डिसेबल हो गया। ठीक है, डिसेबल होने से क्या होगा, फिर से इनेबल होने के लिए उसे 16 वैक्सीन लगाए गए, मतलब 16 इंजेक्शन लगाए गए, फिर भी उसका कुछ नहीं हुआ। फिर वो दुकानदार क्या हुआ, फॉरेस्ट में 21 दिन तक तपस्या करने चला गया। ठीक है फ्रेंड्स, तो दूसरे दिन 21 के बाद क्या आता है, 22। ठीक है, दूसरे दिन वहाँ का वाटर पीने से उसकी तबीयत खराब हो गई, उसे टीबी हो गई थी, इसलिए उसे 24 साल तक टीबी की दवा खानी पड़ी। ठीक है फ्रेंड्स, आपको समझा, चलिए मैं इसको फिर से समझाता हूँ कि ये स्टोरी है क्या। ओके फ्रेंड्स वेट, देखिए 8 मार्वलस वुमन थी, मतलब 8 शानदार वुमन थी जो कि फ्रॉड दुकानदार से ना बहुत परेशान थी। तो उन्होंने क्या किया, उस पर 15 बार कंज्यूमर कोर्ट में केस कर दिया फ्रेंड्स, जिससे वो क्या हो गया, डिसेबल हो गया। अब उसको इनेबल करने के लिए, मतलब फिर से इनेबल होने के लिए उसे 16 वैक्सीन लगाए गए, मतलब 16 इंजेक्शन लगाए गए, फिर भी उससे उसका कुछ नहीं हुआ। फिर वो दुकानदार क्या हुआ, फॉरेस्ट में चला गया और 21 दिन तक तपस्या करने लगा कि शायद मैं ठीक हो जाऊँ। दूसरे दिन मतलब क्या हुआ, उसके दूसरे दिन के बाद 21 के बाद क्या आता है, 22। दूसरे दिन बाद वहाँ का वाटर पीने से उसकी तबीयत खराब हो गई। अब वहाँ पे तपस्या कर रहा था, ऑब्वियसली वाटर पिएगा, वहाँ का खाना पीना तो खाएगा क्या नहीं, तो वहाँ का वाटर पीने की वजह से उसकी तबीयत खराब हो गई जिससे उसे टीबी हो गई थी, इसलिए उसे 24 साल तक टीबी की दवा खानी पड़ी। आई होप फ्रेंड्स आपको समझ में आई होंगी ये बात, तो चलिए मैं इसको डिटेल में समझाता हूँ कि अब ये है क्या। ओके फ्रेंड्स, तो देखिए मैं आपको डिटेल में समझाता हूँ कि क्या है। 8 मार्वलस वुमन्स, मार्वलस मतलब मार्च, देखिए 8 मार्च को क्या है, मार्वलस वुमन्स 8 मार्च को क्या है, इंटरनेशनल वुमन्स डे है। उसके बाद देखो क्या है, उन्होंने उस पर 15 बार कंज्यूमर कोर्ट में केस किया। ठीक है, देखिए 15 मार्च को क्या है, वर्ल्ड कंज्यूमर राइट्स डे, जिससे वो डिसेबल हो गया और क्या है, वर्ल्ड डिसेबल डे। ठीक है फ्रेंड्स, याद हुआ। फिर से इनेबल होने के लिए उसे 16 वैक्सीन लगाए गए। देखिए 16 मार्च को क्या है, वर्ल्ड नेशनल वैक्सीनेशन डे। ठीक है, फिर वो दुकानदार फॉरेस्ट में 21 दिन तक तपस्या करने चला गया। तो देखिए 21 मार्च को क्या है, वर्ल्ड फॉरेस्ट डे। ठीक है, दूसरे दिन मतलब 22 को वहाँ का वाटर पीने से उसकी तबीयत खराब हो गई। देखिए 22 मार्च को क्या है, वर्ल्ड डे फॉर वाटर। ठीक है फ्रेंड्स, देखिए 22 मार्च को क्या है, वर्ल्ड डे फॉर वाटर। उसे टीबी हो गई थी इसलिए उसे 24 साल तक टीबी की दवा खानी पड़ी। देखिए 24 को क्या है, 24 मार्च को वर्ल्ड टीबी डे होता है। ठीक है फ्रेंड्स, आई होप फ्रेंड्स आपको याद हुआ होगा। वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक करना फ्रेंड्स, और कुछ कमेंट होगा तो प्लीज़ करना फ्रेंड्स, और तब तक के लिए अपना ध्यान रखना फ्रेंड्स। ओके फ्रेंड्स, गुड बाय।